सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दो दिन की अधिकार पद यात्रा थी। शामली के कलेक्टर ने यहाँ काम जब शुरू कराया था, ये कह के कराया था कि जी हम यहाँ पे कट देंगे। कुछ मैसेज दे रहे कहने लगा ये कट अगर दे दिया तो ये हाईवे पर यहीं चढ़ जा करेंगे, यहीं बैठ जा करेंगे, यही घेर ले करेंगे पूरे हाईवे को। किसानों को तो यू ही चल रहा है, सड़क पर तो यू आना पड़ रहा, हमें कट मिल जाए, हमका हमारी जमीन गई इसमें इनकी, और ये हमें कुछ हमें लाभ मिल जाए और गन्ने का भाव अच्छा मिल जाए हमें। हमारा तो जीना आराम कर दिया सरकार ने, इसकी गैर लड़ाई लड़ दो 10 साल हो गए। इस सरकार ने कोई भी किसान को कुछ भी सुविधा नहीं दी, किसान को लुटा ही लुटा अभी लोगों ने। पर युद्ध निकालने वाले भारतीय किसान यूनियन ने आज छाती फाड़ दे अगर सामने कोई आ जा, पर यूज मुजफ्फरनगर में सिखाया जो यू कट है यू प्रतिष्ठा का वो है भाई, बिल्कुल भी कुछ भी कोई भी समझौता नहीं है। प्रशासन का कानून है, कानून मारा भी है भाई। आज की इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, खापो के चौधरियों, तपे के थानेदारों, और सबसे बड़ी बात सौर समाज का इस आंदोलन में साथ मिला, बहुत समय बाद साथ मिला, तो एक बार पूरे सौर समाज को भाई ताली बजाकर उनका धन्यवाद करो। नहीं तो एक ठप्पा लग जा रहा था कि नहीं एक बिरादरी चल रही, यू ठप्पा बहुत खतरनाक है। अधिकार पद यात्रा दो दिन की अधिकार पद यात्रा थी, मांग करी आप लोगों ने, वैसे अधिकार मांगे तो नहीं जा करते, तो एरिया यो ब्लड तो छीनने वाला है अधिकार। यहां एलआईयू प्रशासन भी होगा, यहां इंटेलिजेंस भी होगी, हम लोग जिद्दी लोग हैं और स्वाभिमानी है, धोखा धड़ी हम बर्दाश्त नहीं करते, हमारे साथ आप लोगों ने धोखा करा। ना हम डीएम का नाम जानते, हम नहीं नाम जानते यहां कलेक्टर का किसी का, कौन आ रहा कौन जा रहा, हम तो जानते हैं कि वह शामली का कलेक्टर है। शामली के कलेक्टर ने यहां काम जब शुरू कराया था, ये कह के कराया था कि जी हम यहां पे कट देंगे। देखो बात सब कह रहे हैं कि भाई कट लेकर रहेंगे, मैं ये कह रहा ये सरकार बहुत बुरी सरकार है, आप न माने इतनी जल्दी आपको ये कट दे देगी, पूरी परीक्षा लेगी यहाँ की पूरी परीक्षा। कुछ मैसेज दे रहे कहने लगा ये कट अगर दे दिया तो ये हाईवे पर यहीं चढ़ जा करेंगे, यहीं बैठ जा करेंगे, यहीं घेर ले करेंगे पूरे हाईवे को। कोई कह रहा ये कर देंगे, कोई वो कह रहा ये कर देंगे, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ के प्रशासन को, एल इंटेलिजेंस को, भाई ये हाईवे तो क्या भारतीय किसान यूनियन को तो चाह तुम लोग कहोगे ना, अगर छत्तीसगढ़ में भी जाकर ट्रेन या रेल ये ट्रैक रोकना तो वहां भी रोक दे, तो हमारे घर का ही है, तुम नहीं रोक पाओगे हमें कहां बैठना कहां नहीं। किसानों का बहुत बढ़िया वो चल रहा, काफ़ी किसान आ रहे, चौधरी साहब साथ में है, बहुत अच्छा वो चल रहा, कट की मांग है हमारी। क्या जरूरत पड़ेगी किसानों को सड़क पर आना पड़ गया? किसानों को तो यूँ ही चल रहा जी, सड़क पर तो यूँ आना पड़ रहा, हमें कट मिल जाए इनका, हमारी जमीन गई इसमें इनकी, और ये हमें कुछ हमें लाभ मिल जाए और गन्ने का भाव अच्छा मिल जाए हमें। देवेंद्र जी किस तरह की समस्या हो जाएगी अगर कटना मिला किसानों को? जी कटना मिला हमें, हमारी जमीन चली गई,
अगर हमें यूं भी फायदा ना मिले सरकार से तो फिर फायदा क्या है सरकार का, मैं बताओ। हमारी जमीन ले ली, हमें कट भी नहीं दे रहे यहाँ से। लोग तो कह रहे हैं बहुत विकास कर रहे हैं मोदी जी, किसानों को यहाँ कट भी दे रहे हैं। अजी कुछ भी विकास नहीं कर रहे, इन्होंने तो नाश कर रहे है, तो इन्होंने तो नाश कर दिया हमारा, हमारा तो जीना आराम कर दिया सरकार ने। इसकी गैर लड़ाई लड़ दो 10 साल हो गए। इस सरकार ने कोई भी किसान को कुछ भी सुविधा नहीं दी, किसान को लुटा ही लुटा अभी लोगों ने। तो किस तरह के फायदे हो जाएंगे अगर कट मिल जाएगा किसान भाई? हर चीज़ को देखो, किसानों का जो है नहीं दूध या कोई चीज भी दे लगे तो हर चीज़ जो है नहीं किसानों की इंतर तेज आगे, देर सुधा दिल्ली अपना व्यापार करेंगे, छोटे जो है नहीं व्यापारी वे भी बेचारे अपना इनको ही आना जाना करेंगे। इस क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, ये 40-45 गाँव में कम से कम इतना तो हो ही जा नहीं। हाँ, जैसे किसान है भाई, खेत में भी आना जाना है तो वो कैसे आओगा अगर यहाँ से कटना मिला तो? देखो हित्या जुड़ जाएगी। हाँ, अगर यहाँ कट नहीं मिला तो बहुत हित्या जुड़ जाएगी। पहले तो बात यह मिलेगा, कोई ऐसी सूरत ही नहीं ना मिले। हाँ, ये किसान जो है नहीं हटने वाले नहीं है। हर देखो सभी का एक फायदा है इसमें। हम पे जो है, हम तो रामायण के और राम के हनुमान है, टिकैत के हनुमान है। हमें तो बता दो कहीं यहां उखाड़ना है या फिर दिल्ली में उखाड़ना है। भाई ये कट जो है ये तो कटा पड़ो है, बूझ लो बहुत डरपोक है हम, पर यू डर निकालने वाले भारतीय किसान यूनियन है। आज छाती फाड़ दे अगर सामने कोई आ जा, पर यूज मुजफ्फरनगर में सिखाया और मुजफ्फरनगर ही डामा डोल है भाई। मैं गुर्जर समाज से आता हूं और यहां पर आप सबके बीच में कह के जा रहा हूं, जहां पर मैं रहता हूं नोएडा गुर्जर बेल्ट है, सारी दिल्ली गुर्जर बेल्ट है। आप आदेश करना, आप तो यहां बैठे, हम जहां से दिल्ली से चढ़ेंगे हम वहां बैठेंगे। कट बिना काम नहीं चलने का, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रशासन की है तो प्रतिष्ठा हमारी भी है भाई। जो पहले राजा महाराजा में मांगा करते थे नहीं मदद, आज संकट की घड़ी भाई यहां से मारे पे भी काम नहीं चलने का। देखो साफ बात है, ये संकट यू जो यू कट है यू प्रतिष्ठा का वो है भाई। बिल्कुल भी कुछ भी कोई भी समझौता नहीं है। प्रशासन का कानून है, कानून मारा भी है भाई। 36-37 साल की जो कुछ हुआ है, संगठन की जो कुछ उतार चढ़ाव आए, क्या क्या हुई बातचीत, सारी बात भूल कर सिर्फ में अलग बात थी या कट की बात, बिल्कुल प्रतिष्ठा की बात है भाई। कुछ भी हो सके इसमें, उसके लिए आप लोग तैयार तो बताओ। और बस ठीक है, एसडीएम साहब ना कहीं वहां समझौते हो तो मैं किसी को कहना तो बता दियो, नहीं यहां को एक पहिया नहीं चलने का किसी भी गाड़ी का। कोई कोई गाड़ी वहां तक चलती होगी, वहां तक जो बागपत वाले वे वही रोक देंगे और उनको उत्तराखंड वाले रोक देंगे। और जहां से भी काम चल रहा हो भाई, जो किसी में हिम्मत हो सब तुरंत रोकने की वा करो, काम ना चलन दो इस पे। और भाई देखो ये कह रही भाई बात है, कितने याद दमक लगा रखी कट की, क्या जरूरत है कट की।